हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियोस में क्या हो सकता है, इसी वीडियो में मैंने क्या किया है, इसको ज्वाइन कर दिया है। हाँ कि ना, जो मैं क्या कह रहा था कि इतनी ही छोटी वीडियो है और खत्म हो गई है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने ट्रेपीजियम पढ़ डाला। क्या किया, पढ़ डाला ना। अब ट्रेपीजियम के साथ साथ एनसीईआरटी बुक में हमें डू दिस है, कह रहा डू दिस मतलब ये भी करो, डू दिस मतलब ये भी करो, तो डू दिस भी हम लोग कर लेंगे। बट उसमें एक क्वेश्चन है जिसको आपको खुद समझना, अपने घोड़े दौड़ाने, दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, ठीक है। घोड़े अगर दौड़ गए हैं आपके दिमाग के, तब आप बहुत ही अच्छे से उसे सॉल्व कर लोगे, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सर जी किस लिए स्कूल के, एक बार उनसे ही पूछ के देखो, वो अपना दिमाग दौड़ा पाते हैं कि नहीं, ठीक है। चल कोई बात नहीं, हम अच्छे से समझते हैं डू दिस में क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसको तो पहले रब कर देते हैं, क्योंकि इसको तो हम बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं, समझ गए, ठीक है। हाँ कि ना, चलो 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 चलो, बहुत सही। चलो इसे मैंने रब कर दिया। अब देखो यहां पे हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है देखो, हम लोगों ने ट्रेपीजियम अच्छे से पढ़ लिया, बट ट्रेपीजियम में यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हैं। क्या दिया है ट्रेपीजियम में, दो तरीके से इसमें क्राइटेरिया डाल दिए हैं, किसमें, एनसीईआरटी की बुक में, मैं बुक देख नहीं पाया था, तो इसमें मैं यहाँ पे लिखने की बता रहा हूं। यहीं पे क्या क्या है, शेप दिया है, पहले तो डिफिनेशन लिखी है, क्या है, डिफिनेशन लिखी है। हाँ क्या, डिफिनेशन हम बताए थे आपको बहुत ही अच्छे से। अब यहां पे कहा है दीज आर ट्रेपीजियम एंड दीज आर नॉट। देखो आराम से देखो, पहले कहा यू 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 और यू, एक ये है ट्रेपीजियम बना है, एक भाई साहब ने इस तरीके से ट्रेपीजियम बनाया है यू, अरे भाई साहब रुको रुको रुको, एक बनाया है कैसे, एक बनाया है यू 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 और यूं बना दिया, दूसरा बनाया है तेरे बच्चों क्या, यूं 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 और यूं बना दिया, और ये क्या बनाया, एक यूं 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 बना दिया ट्रेपीजियम। हाँ कि ना, और इसमें यूं यूं लाइन भी खींची है कुछ, समझ में आला कुछ, समझ में आला कुछ, नहीं आला कुछ, नहीं आला, ठीक है। ये क्या है, दीज आर ट्रेपीजियम, क्या है, क्या ही लिखा है ना, दीज आर ट्रेपीजियम, ट्रे अरे ट्रे ट्रे पी जी एम है ये, और क्या क्या है, यहीं बगल में कहा है दीज आर नॉट ट्रेपीजियम, एक यू बनाया, ये देखो ये काइट जैसा कुछ बना रहा है कि नहीं, और एक क्या बनाया है, यू बनाए हैं, यू 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 बनाए हैं, देखो ध्यान से देखो, ऐसे बनाया है, और एक बनाते हैं यू बनाए हैं, यूं बनाए हैं, यूं और यूं बना दिए, हाँ कि ना, ध्यान से देखो, इस तरीके के तीन डायग्राम बनाए हैं, और इसको कहा है दीज आर नॉट ट्रेपीजियम, नॉट ट्रेपीजियम मतलब ये ट्रेपीजियम नहीं है। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ट्रेपीजियम क्या होते हैं, उनकी दो साइड जो अपोजिट साइड्स होनी चाहिए, अपोजिट क्या बोल रहे हैं, अपोजिट, इस शब्द को याद रखना, अपोजिट साइड जो होनी चाहिए वो पेयर, पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल, ठीक है। तो इसमें क्या कोई पेयर अपोजिट साइड दिख रही है, ये वाली नहीं है भाई साहब, इसमें देखो, इस वाले में देखो कुछ इस तरफ एरो दिया है, ठीक है। अब ये एरो बता रहा है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये देखो देखो ये दोनों पैरेलल दिखा रहा है, हाँ भाई साहब ये है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये दोनों क्या है दिखा रहा है, ये पैरेलल है, ये दोनों क्या है, ये भी दिखा रहा है पैरेलल है भाई साहब, तो हमें यहां पे मिल गया, तो ये हमें ये क्या है, ट्रेपीजियम है, क्योंकि पेयर ऑफ टू, टू नहीं चाहिए हमें, वन पेयर ऑफ क्या चाहिए, पैरेलल लाइन चाहिए इस फिगर में, आगे ना क्वाड्रिलेटरल, आगे ना ये सब क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, चार फिगर से बनके, चार लाइन, चार साइड से मिलके बनके बनाओ, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कोई पैरेलल है, ना बाबू ना, ये और ये पैरेलल नहीं है, ये और ये पैरेलल नहीं है, ये और ये पैरेलल नहीं है, ये और ये पैरेलल भले ही दिख, यहाँ पे आप हो सकता कहो ये देखो ये पैरेलल है, पर प्यारे बच्चों ये नहीं है ऐसा, ये दिखा रहे बता रहे हैं बुक में, ठीक है। और हाँ यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक चीज दिखाई है, क्या दिखाई है, कि ये यू
यू बनाया है उन्होंने। आ हा हा, यहां पे देखो एक बहुत ही अच्छी चीज बताई इन्होंने, कहा भाई साहब ये वाली जो साइड है ई और ई क्या है, ये दो साइड क्या है पैरेलल दिखा दी, क्या क्या इन दोनों को पैरेलल दिखा दी और हमको क्या बनाना शुरू कर, हमको बेवकूफ बनाने की सोच रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं हम लोग इसको क्या करेंगे ट्रेपीजियम बोल देंगे। नहीं बाबू, ट्रेपीजियम कैसे बोल देंगे, ट्रेपीजियम कैसे बोल देंगे इसको, ट्रेपीजियम क्या होता है क्वाड्रिलेटरल होता है, क्या बोल रहे हो, ट्रेपीजियम का है, ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें कितनी साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में होती है फोर साइड, क्या होती हैं फोर साइड होती हैं, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, पर क्या इसमें फोर साइड है, एक का दुक्का तिनका चक्का पचका, पांच साइड है, कितनी है पांच साइड है, तो ये पांच साइड है तो ये पांच साइड कैसे हो गया क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल नहीं है ये तो पेंटागन बन गया, क्या बन गया पेंटागन बन गया, क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो पहली चीज क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं तो ट्रेपीजियम हो ही नहीं सकता, ट्रेपीजियम में चार साइड होते हैं, इनमें तो पांच साइड दिया है तो क्या है ये गलत, हम लोग को गधा बना रहा था, अप्रैल फूल बना रहे हैं तो अप्रैल फूल नहीं बना सकते। और इसमें क्या है, इसमें क्या है प्यारे बच्चों, कुछ इस तरीके से एक ये एक ये एक ये और एक ये ऐसे बनाए, तो इसमें कोई भी साइड पैरेलल नहीं है, ये और ये साइड पैरेलल नहीं है, ये और ये साइड पैरेलल नहीं है, दिखाई ही नहीं है, एरो कहीं इसमें रिप्रेजेंट किए ही नहीं है भाई साहब, समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि ये क्यों है ट्रेपीजियम और ये ट्रेपीजियम क्यों, ये ट्रेपीजियम इसलिए क्योंकि सारी साइडें भी हमें चार चार दी गई सब में, इसमें भी चार इसमें भी चार इसमें भी चार इसमें भी चार, और इसमें बताया गया है कि ये और ये पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल, हमें अ पेयर ऑफ लाइन दिया गया है, क्या है अ पेयर ऑफ अपोजिट, लिख लो अ पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल, अ पेयर ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल लाइन, लिख सकते हो अपोजिट पैरेलल लाइन या साइड भी लिख सकते हो साथ में, ठीक है लाइन भी लिख सकते हो साइड भी लिख, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगी इतना, समझ में आएगी नहीं, उम्मीद करता हूं आया होगा। तो इको मैं क्या कर रहा हूं, रब करने जा रहा हूं, चलो इको क्या कर देते हैं, जल्दी 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 रब कर देते हैं, चलो इसको रब कर दिया। अब देखते हैं क्या घमासान तरीके से हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे डू दिस का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डू दिस क्या कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं टेक आइडेंटिकल कट आउट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऑफ 3-5 सेंटीमीटर, अरेंज देम एज शोज इन द फिगर 3.1, कह रहे हैं क्या आप क्या करिए, एक ट्रायंगल लीजिए, कट आउट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऑफ साइड, कह रहा एक ट्रायंगल लीजिए, तो देखो इधर समझो पहले ध्यान से शांति से शांति से, अब ये शांति कौन है, शांति कोई नहीं है, शांति आपको बनानी है अपने दिमाग में, क्या है टेक आइडेंटिकल कट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, वाह भाई वाह, कह रहा है आपको ट्रायंगल लेना है, आपको ट्रायंगल लेना है कट, ऐसे कट, क्या बोला ऐसे कट वाले ट्रायंगल लेने हैं जिनकी एक साइड क्या हो 4 सेंटीमीटर हो, दूसरी साइड क्या हो, ध्यान से देखो दूसरी साइड 5 सेंटीमीटर हो, और तीसरी साइड क्या हो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो क्या बोल रहा 3 सेंटीमीटर हो, क्या हो 3 सेंटीमीटर हो, ऐसे कितने ट्रायंगल लेने हैं बाबू तुमको, ऐसे 3 ट्रायंगल लेने हैं, कितने, एक तो ट्रायंगल ये हो गया प्यारे बच्चों, इसी तरीके के 3 ट्रायंगल होने चाहिए आपके पास, कितने 3 ट्रायंगल होने चाहिए आपके पास, इसी तरीके के 3 ट्रायंगल हो गए, अब इसी तरीके के 3 ट्रायंगल को अरेंज करना है आपको, इसीलिए लिखा है देखो ध्यान से पढ़ो, कह रहा है टेक आइडेंटिकल कट्स ऑफ द, टेक कह रहा है लो, लो आप लो मतलब क्या, आप बनाओ बैठ के या ले लो कहीं से, टेक आइडेंटिकल कट्स ऑफ ऑफ कॉन्ग्रुएंट, अब ये कॉन्ग्रुएंट क्या होता है इको समझ लो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल सी लगा है एस लगा है कि नहीं, हाँ एस लगा है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों आज समझ जाओ, कॉन्ग्रुएंट का मतलब कुछ नहीं सेम, इसी तरीके का सेम टू सेम, डिट्टो कॉपी डिट्टो कॉपी, अरे यार कोई फिल्म देखा था आपने जुड़वा, कोई जुड़वा पिक्चर देखा है कि नहीं, ऐसे कोई आई भी थी कि नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं है शायद,
बस नाम सुना है मैंने, ठीक है। अरे डॉन में भी तो एक डॉन थी, कौन सी पिक्चर थी जिनमें जुड़वा जुड़वा दो दो लोग थे, ऐसा कोई पिक्चर उच्चर थी कि नहीं? मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझो पहले, मतलब समझो हम कहां पिक्चर चर्न लेके चले। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो? डुप्लीकेट, कॉपी, मतलब आइडेंटिकल ही होना चाहिए। आइडेंटिकल, अरे आइडेंटिकल मतलब उसी तरीके का होना चाहिए ट्रायंगल। जितने साइड का ये हो उतनी साइड का इधर वाला भी होना चाहिए, जितने साइड इधर है उतने साइड का ये भी होना चाहिए, जितने साइड का इधर है भाई साहब उतने साइड के इधर भी होने चाहिए। 5 सेंटीमीटर के ये भी हैं, 4 सेंटीमीटर के ये भी, 3 सेंटीमीटर के, मतलब यही। आप जैसे जाते हो आप नटराज की पेंसिल लेने, पेंसिल ले लिए आप, खरीद ले गए भैया 3 रुपए की, मुझे एक नटराज की पेंसिल दे दो, तो क्या करेगा, एक नटराज की पेंसिल दे देगा, आपके पास एक ही है। अब आपने कहा अरे यार एक और चाहिए मेरे दोस्त के लिए चाहिए, भाई जाओ लेके चले आओ, तो वो गया कहा भैया 3 रुपए की एक और। अब 3 की आती है 5 की आती है मुझे नहीं पता, 5 की आती होगी, बहुत महंगी हो गई है। गए आप, गए भैया पेंसिल दो, तो जो अब पेंसिल आप एक दूसरी नटराज की लोगे, अब नटराज की लेते हो या किसी और की लेते हो बताओ जरा, नटराज की लोगे या कौन, एक और भी तो पेंसिल आती है क्या, अप्सरा करके, हाँ कि ना अप्सरा। अरे भाई साहब हम भी अप्सरा नटराज इन सबको लिखे हैं, कोई जादुई पेंसिल नहीं चलाए हैं, लसकलक बूम बूम नहीं चलाए हैं, हम भी उसी से ही लिखे हैं और बहुत मार खाए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं खाए। चलो देखो क्या कहोगे सर जी, मार खाए, चलो कोई बात। अब देखो क्या है, अभी जो आपने पहली वाली पेंसिल ली और दूसरी वाली पेंसिल ली, इन दोनों को आप कैसे कह सकते हो, कॉन्ग्रुएंट है ये, क्योंकि दोनों क्या आइडेंटिकल है, क्या आइडेंटिकल। इसी तरीके से ये जो ट्रायंगल आप ले रहे हो, इसी तरीके का आपको 3 ट्रायंगल ले रहे हैं, अब जल्दी जल्दी बना रहे हैं आपको, आपको बता रहे हैं 3 ट्रायंगल लेने हैं आपको। अब 3 ट्रायंगल को आपको अरेंज करना है, अरेंज, अरेंज से याद आ रहा है सर जी, अरेंज 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 अरेंजर, पावर रेंजर याद आ रहा है सर जी, पावर रेंजर आरपीएम बहुत देखते हैं, पावर रेंजर एसपीडी देखते हैं बहुत ज्यादा। अरे सर जी आपको कैसे बताए सर, बाबू हम भी बहुत देखे हैं पावर रेंजर, हमको पावर रेंजर पता नहीं कहा है, क्या ही बताएं, अच्छा लगता था सिर्फ जब वो लोग चेंज होते थे पावर रेंजर, हाँ कि ना, फिर उसके बाद जो लड़ाई होती थी घमासान, उसका दिमाग खराब हो जाता था हमारा, हाँ कि ना, आपका होता था कि नहीं हमें नहीं पता। अब चलो देखते हैं क्या यहाँ पे 3.11 देखते हैं, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, क्या किस तरीके से इन्होंने वो बनाया है, देखो ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से देखो, यूं गए और यूं चले गए, यहाँ पे क्या क्या है बाबू ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से डॉट बनाया, कुछ इस तरीके से डॉट बनाया, इस तरीके से इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ये ट्रायंगल हमने लिया है, ये नहीं क्या कि ट्रेपीजियम बना दिया और उसमें ये बना दिया, इन लोगों ने 3 ट्रायंगल लिए, उनको अरेंज किया है इस तरीके से, क्या क्या अरेंज किया है बाबू, ध्यान से देखो क्या किए हैं ये लोग, अरेंज किए हैं, ये ले लिया है इन्होंने 4 सेंटीमीटर, इधर ले लिया 5 सेंटीमीटर और इधर ले लिया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कितना लिया है बाबू, 3 सेंटीमीटर ले लिया है इन्होंने यहाँ पे, और इधर लिया है 5 सेंटीमीटर और इधर लिया है 4 सेंटीमीटर और इधर लिया है 5 सेंटीमीटर और इधर लिया है 3 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या इन्होंने इस तरीके का ट्रायंगल लिया और इधर क्या किया, ये वाली जो ये एक जो दूसरा ट्रायंगल लिया उसकी जो 3 सेंटीमीटर वाली साइड थी वो यहां पे पुट कर दिया, जैसे पुट कर दिया वो ऐसे बन गया, हाँ कि ना। अब क्या किया, इधर जो सेंटीमीटर आ रही थी 4 सेंटीमीटर की, तो तीसरा वाला ट्रायंगल लिया उसका 4 सेंटीमीटर वाला ही इसी पे पुट कर दिया। बाबू टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, एकदम मत लो, एकदम मत लो, मैं बता रहा हूं बहुत सरल है, कुछ नहीं किया, 3 ट्रायंगल लिया है, पुट किया, पहले क्या किया देखो ध्यान से, अब आप मैं बताता हूं, पहला ट्रायंगल लिया यूं, हाँ कि ना, 5 सेंटीमीटर इधर 4 सेंटीमीटर, अब जो 30 और इधर 3 सेंटीमीटर, अब जो दूसरा ट्रायंगल लिया ना उसकी जो तीसरी साइड थी उसको यहां पे लाके पटक दिया, यहां पे लाके जैसे पटका तो इधर 3 सेंटीमीटर हो गई और इधर क्या हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया और ये क्या हो गया बाबू 5 सेंटीमीटर इधर हो गए। अब क्या किया, ये 5, ये 3, ये 4 सेंटीमीटर इधर लटके पड़े हैं, हाँ कि ना। अब क्या किया, 3 तीसरा वाला ट्रायंगल लिया उसको यहां पे पटक दिया तो ये 4 सेंटीमीटर था, हाँ कि ना, अब ये वाला बन गया 5 सेंटीमीटर, पटकेगा कुछ ना कुछ तो इधर होगी साइड, ये 5 सेंटीमीटर की हो गई और ये 3 सेंटीमीटर की हो गई। अब जैसे बाबू उन्होंने यहां पे रखा तो उनको देखने को मिला, यहां पे ट्रेपीजियम बन गया, क्या बन गया ट्रेपीजियम बन गया, क्या बन गया ट्रेपीजियम बन गया, इनको यही बनाना था, दिखाया है यहां पे।
अब इनके क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, यू गेट अ ट्रेपीजियम, हाँ आई गेट, क्या कहो, हाँ आई गेट ट्रेपीजियम। अब यहां पे आप देख सकते हो कि ये बाबू इधर देखो, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला और ये वाला क्या है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते ये ट्रेपीजियम तो बन रहा है, ये तो कन्फर्म हो गया, हाँ कि ना, ट्रेपीजियम दिख रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है, दिख रहा है आंखों से, हाँ कि ना, दिख रहा है, हाँ बाबू ट्रेपीजियम बन रहा है। अब पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि बाबू यू गेट अ ट्रेपीजियम, यस विच आर द पैरेलल लाइंस, इसमें पूछा पैरेलल लाइन कौन सी है दादा, दादा रे दादा इको रिप्रेजेंट तो करते ए बी सी और डी, तो इसमें कहोगे क्या ए बी पैरेलल टू बी सी, हाँ है ट्रू, ये है, ये है, यहां पे हमें दिख रहा है। अब क्या कहा दूसरा, क्या कहा गया, विच आर द पैरेलल लाइन, तो बता दिया, शुड द नॉन पैरेलल लाइंस बी इक्वल, तो यहां पे अगर देखें, यहां पे देखें, यहां यहां पे देखें तो यहां पे इक्वल नहीं है, यहां पे इक्वल नहीं है, क्योंकि ये भाई साहब 4 है, ये भाई साहब 3 है, तो यहां पे लिखोगे हेयर नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल साइड्स आर नॉट इक्वल, क्या है प्यारे बच्चों, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, बट इफ दे बिकम इक्वल, अगर इक्वल हो जाते हैं देन दिस, क्या है दिस ट्रेपीजियम इज आइसो, आइसो से, आइसो आइसो सेलियस त्रिंगल, त्रिंगल कह रहे हैं ट्रेपीजियम, क्या कहलाएगा, अगर ये और ये साइड क्या हो जाए, एक दूसरे के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ये साइड और ये साइड, तो ये क्या कहलाएंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाएंगे। अब देखो इसके बाद क्या कह रहा है, यू कैन गेट टू मोर ट्रेपीजियम यूजिंग द सेम सेट ऑफ द ट्रेंगल, कह रहे हैं क्या इसी को यूज करके आपको दो और तरीके के ट्रेपीजियम मिल सकते हैं, ठीक है, फाइंड देम आउट एंड डिस्कस देयर शेप, कह रहे हैं उसको फाइंड करिए और उसका शेप बताइए, तो इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है, पहला ये वाला होमवर्क, होमवर्क आज तक होमवर्क नहीं दिया है मैंने आपको, होमवर्क, हाँ कि ना, और दूसरा क्या है होमवर्क, ये दूसरा वाला क्वेश्चन, और ये दूसरा वाला बहुत ही सरल है, कुछ छो नहीं है, एक और आप करें, एक और आप करें, एक और आप करें, ठीक है, एक और आप कर दे रहे हैं, चलो इसको क्या कर दे रहा है, इको रब कर दे रहा है, कुछ छो नहीं है। अब क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है टेक 4 सेट स्क्वायर, इसमें कह रहा है 4 सेट स्क्वायर फ्रॉम योर एंड योर फ्रेंड इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, अपने दोस्त के क्या करो, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से चुरा लो, ठीक है, यूज डिफरेंट नंबर ऑफ देम टू प्लेस साइड बाई साइड, आप क्या करो डिफरेंट नंबर ऑफ देम टू साइड बाई साइड, एक के बाद एक क्या करो उसको रखते चले जाओ साइड बाई साइड, ठीक है, एंड ऑब्टेन डिफरेंट ट्रेपीजियम, और आप क्या करो ट्रेपीजियम बनाना शुरू कर दो, ठीक है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम आर ऑफ इक्वल लेंथ, अगर नॉन पैरेलल साइड, जैसा कि मैंने बताया था नॉन पैरेलल साइड क्या होते हैं, अगर इक्वल निकल जाते हैं बाबू, अगर इक्वल निकल जाते हैं, यू कॉल इट एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जैसा कि मैंने बता दिया, आधा तो मैंने बता ही नहीं, ट्रेपीजियम नॉन पैरेलल ही कहलाएगा वो, मतलब आइसोसेलेस कहलाएगा, अगर वो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे तो। डिड यू गेट एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इन एनी ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशन गिव अबव, मतलब कह रहा है कि अभी जब आप बनाओगे ना बाबू, ये क्वेश्चन नंबर टू, ये जो क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन अगर ना हो तो हमको बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना, बताएंगे ना बाबू, काहे टेंशन ले रहे हो, बताएंगे, सब बताएंगे, ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा है तो बताना हमें कमेंट करके, हमें बताऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन कहाँ ले रहे हो, कहाँ पाल रहे हो जब हम हैं, ठीक है, अब ये नहीं कि किया भी नहीं और कमेंट पे करना शुरू कर दिया, अरे नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता, आप जबरदस्ती बनवाओगे हमसे, हमको पता है ना, अभी तुरंत ही कमेंट कर देंगे आधे ज्यादा, नहीं आता हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या करो पहले सॉल्व करो जरूरी है। तो इसने क्या कहा सबसे लास्ट में देखो भुलाइए, देख रहे हो भूल जाते हैं बाबू। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है
डू यू गेट एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इन एनी ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन? कह रहा है कि क्या जब आप ये सब बनाओगे, ये सब जब बनाओगे तो क्या आपको कोई ट्रेपीजियम मिलेगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम मिलेगा? क्या आपको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम मिलेगा? अगर मिलता है तो हमको बताना, अगर मिलता है तो हमको बताना। आइसोसेलेस मतलब क्या? साइड, दोनों साइडें इधर नॉन पैरेलल, क्या नॉन पैरेलल साइड का होनी चाहिए बाबू, इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल हो गई ना तो ये आइसो बन जाएगा, आइसो ट्रेपीजियम बन जाएगा, अरे ट्रेपीजियम बन जाएगा बाबू। समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं? उम्मीद कर रहा हूं क्या कि आपको आ गया होगा। ठीक, अब देखते हैं। अब आया है मेरे पास काइट, आया है काइट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये लेक्चर हो गया है क्या बहुत बड़ा, तो ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाते हैं, छोटू सा रखते हैं, मुत्तू सा रखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये थोड़ा बहुत आपको डूदेस समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और उसमें साइड उसमें सॉल्व करेंगे काइट का, करेंगे काइट, काइट जी को उलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना और अपना ख्याल रखना है मेरे प्यारे बच्चों।